इसमें यह है कि ग्राफ भी मौजूद होता है, ग्राफ टू ट्री कन्वर्जन कर लेते हैं, एंड देन ह्यूरिस्टिक एक वैल्यू होती है जिसकी बेसिस पे हमने अपनी सर्च को कंटिन्यू करना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट से शुरू करते हैं, स्टार्ट जो भी होता है उसको ओपन लिस्ट में मेंशन करते हैं, एंड देन उसको ट्रवर्स करने के बाद उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज साथ ऐड करते हैं और उसके बाद उनको सॉर्ट आउट करते हैं। एग्जाम्पल अपनी शुरू कर लेते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च से, ह्यूरिस्टिक के जो एल्गोरिथम है उनको आज के लेक्चर में कवर कर लेते हैं। फर्स्ट बेस्ट फर्स्ट सर्च का आल्दो कि लास्ट लेक्चर का था लेकिन इसको दोबारा कर लेते हैं, और उसके बाद ए स्टार सर्च एल्गोरिथम आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट नोड एस एंड गोल नोड इज जी। एस आ जाएगा ओपन लिस्ट में एंड क्लोज लिस्ट जो है वो इनिशियली एम्प्टी होगी। एस को ट्रेवर्स करने के बाद एस आ जाएगा क्लोज लिस्ट में और एस के जो चाइल्ड हैं चाइल्ड नोड ए और बी वो आ जाएंगे ओपन लिस्ट में। ए एंड बी, लेकिन बेस्ट फर्स्ट सर्च में अब ह्यूरिस्टिक भी इन्वॉल्व होती है, तो साथ में हम इनके ह्यूरिस्टिक भी मेंशन करेंगे। ह्यूरिस्टिक ए की 12 है वैल्यू एंड बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 4। अब नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करने से पहले हम क्या करते हैं कि इन ह्यूरिस्टिक की बेसिस के ऊपर इनको सॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि लेस ह्यूरिस्टिक की वैल्यू पहले आ जाएगी लिस्ट में और कम ह्यूरिस्टिक ज्यादा ह्यूरिस्टिक वाली लेटर ऑन चली जाएगी। इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो ह्यूरिस्टिक बी का लेसर है वो पहले आ जाएगा एंड ए जो है उसके बाद। अब फर्स्ट लिस्ट में बी है, बी को ट्रेवर्स करेंगे, बी को ट्रेवर्स करेंगे तो बी जो है वो एस के साथ क्लोज लिस्ट में आ जाएगी और रेस्ट जो है बी के जो चाइल्ड नोड है उनको हम ओपन लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो ओपन लिस्ट में क्लोज लिस्ट में ऑलरेडी एस था ट्रेवर्स हो चुका है, बी ट्रेवर्स होके क्लोज लिस्ट में आ गया। अब बी के जो चाइल्ड है वो सारे के सारे ओपन लिस्ट में आ जाएंगे। बी के चाइल्ड है अभी तक हमने एस को ट्रेवर्स किया और उसके बाद बी को ट्रेवर्स किया। अब बी के जो चाइल्ड है ई एंड एफ वो दोनों आ जाएंगे ओपन लिस्ट में अलॉन्ग विद ए जो प्रीवियसली अनट्रेवर्स्ड अभी तक मौजूद है ओपन लिस्ट में। ओपन लिस्ट को हम मेंटेन कर लेते हैं, प्रीवियसली यहाँ पे ए था विद ह्यूरिस्टिक वैल्यू 12, बी हमने ट्रेवर्स किया है, बी की चाइल्ड नोड ई एंड एफ यहाँ पे आ जाएंगे, ई विद ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ इस टेबल से देखेंगे ई की 8 है एंड उसके बाद एफ बी के चाइल्ड है, एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू टेबल में अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी ओपन लिस्ट अभी तक। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हमने क्या करना है कि इसको ट्रेवर्स करना है, इसको सॉर्ट करना है फ्रॉम इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि लोअर टू हाईएस्ट। नेक्स्ट कंटिन्यू करने से पहले हम ट्रेवर्स करेंगे इसी लिस्ट को, सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू एफ की है तो एफ स्टार्ट में आ जाएगा, देन ई विद अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ 8 एंड देन ए जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 12 है। इस लिस्ट में जो सबसे पहला फर्स्ट एफ है एफ को ट्रेवर्स करेंगे और F जो है वो क्लोज लिस्ट में S B के बाद F आ जाएगा, यानी अगर हम क्लोज लिस्ट को अपना मेंटेन करते हैं यहाँ पे तो क्लोज लिस्ट में प्रीवियसली S है B है और अब जो हमने ट्रेवर्स किया है F वो यहाँ पे आ जाएगा F। ठीक, अब F के जो चाइल्ड नोड हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे इस ओपन लिस्ट में अलॉन्ग विद 2 अदर नोड जो कि अभी तक अनट्रेवर्स्ड ओपन लिस्ट में मौजूद हैं E एंड A के। ओपन लिस्ट को हम अपना मेंटेन कर लेते हैं, ओपन लिस्ट में प्रीवियसली ई मौजूद है विद अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ 8, ए मौजूद है ह्यूरिस्टिक वैल्यू 12 के साथ। अब जब हमने एफ को ट्रेवर्स करके क्लोज लिस्ट में डाला है तो एफ के चाइल्ड नोड
एफ को ट्रेवर्स किया तो एफ के चाइल्ड नोड आई और जी जो है वो ओपन लिस्ट में आ जाएंगे। ओपन लिस्ट आई विद ह्यूरिस्टिक वैल्यू, आई की ह्यूरिस्टिक टेबल से हम चेक कर लेंगे, दैट इज 9। और जी, जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू टेबल से अगर हम देखें तो दैट इज 0। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो गोल नोड होता है हमेशा उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 होती है। अभी आप लोगों ने असाइनमेंट भी करनी है, उसकी भी मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन ये पॉइंट कंसिडर करने वाला है कि जो भी गोल नोड होता है हमेशा उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 होती है। एक दफा ओपन लिस्ट में हमारी सारी अनट्रेवर्स्ड नोड्स आ गई, अब इनको हम फर्स्ट स्टार्ट आउट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जो फर्स्ट लीस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू वाली नोड होगी उसको हम पिक कर लेंगे। तो इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सबसे लीस्ट जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो जी की है, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। उसके बाद ई विद अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ 8, आई ह्यूरिस्टिक वैल्यू 9 के साथ, एंड देन ए आ जाएगा लास्ट पे 12 के साथ। इस लिस्ट में जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो स्टार्ट में आ गई। स्टार्ट को हम पिक कर अगर करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, तो हमारी जो क्लोज लिस्ट है वो किस तरह से मेंटेन होगी कि क्लोज लिस्ट में प्रीवियसली एस था, बी था, एफ था, और अब जो है वो फर्स्ट नोड ट्रेवर्स हुई जी। जी ही हमारा गोल नोड था, ये हमारा सर्चिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। तो एक चीज, एस से बी, बी से एफ और एफ से जी, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एस से बी, बी से इस लिस्ट को अगर इस हिसाब से पाथ ड्रा करें तो एस टू बी, एस टू बी एंड बी टू एफ, ऑटोमेटिकली जो हमारा पाथ बनेगा वो सबसे लीस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू के साथ सबसे कम नोड को ट्रेवर्स करने के साथ हम अपने फाइनली गोल नोड पे रीच कर जाएंगे। तो इसमें बेस्ट फर्स्ट सर्च में ह्यूरिस्टिक की वैल्यू टेबलेट फॉर्म में मौजूद होती है। हमने आप लोगों ने क्या करना होता है, जब एल्गोरिथम अप्लाई करना होता है तो सिंपली इसमें एक काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी टाइम की ज़्यादा आ जाती है, इन इन सेंस के यहाँ पे पहले हर स्टेप पे पूरी लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट, अगर हम इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ स्पेस देखें तो थोड़ा सा कॉस्टली आ जाता है, अदरवाइज ये ज़्यादा एफिशिएंट है सर्चिंग में। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी कम है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा है, ये हम कह सकते हैं कि कम टाइम में हम गोल नोड पे पहुंच जाते हैं इस ह्यूरिस्टिक को यूज़ करके, लेकिन हर दफ़ा हर जो ओपन लिस्ट है उसको हर हर स्टेप के ऊपर सॉर्ट करना पड़ता है, जो कि स्पेस वाइज लिटिल बिट ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो दिस वॉज बेस्ट फॉर सर्च एल्गोरिथम। लास्ट क्लास में इसकी वीडियो शेयर की थी, मज़ीद अगर समझ किसी को नहीं आई तो उस वीडियो को देख लें, उधर से अंडरस्टैंड कर लें, अगर क्वेश्चन कोई होगा तो वो मुझसे दोबारा अभी पूछ लें, अभी मेरे लिए समझ आ जानी चाहिए, सिंपल था, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। एनी क्वेश्चन इन बेस्ट फॉर सर्च एल्गोरिथम? नो मैम, दैट्स गुड। चलिए, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, नेक्स्ट एल्गोरिथम है हमारा ए स्टार सर्च एल्गोरिथम, उसको ड्रॉ करने में उसका ग्राफ एंड देन उसकी ट्री। तो उससे पहले हम असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक असाइनमेंट आपको मैंने अपलोड की थी LMS पे लास्ट वेंसडे को, अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं स्क्रीन शेयर करके वो बता भी देती हूँ कि कैसे आपने इसको करना है। असाइनमेंट नंबर 1 है, अभी तक हमारी कोई असाइनमेंट नहीं हुई, तो अलहदा से कोई इसकी फाइल नहीं है, यहीं पर गाइडलाइन जैसी और क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ अपलोडेड है। करना क्या है, एक बाइनरी ट्री बनाना है अल्फ़ाबेट्स के साथ, आपके जो नेम है कंप्लीट नेम, फुल नेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितना भी वो आपकी लेंथ है नेम की, उसका सबसे पहले तो बाइनरी ट्री ड्रॉ करना है। किस तरह से ड्रॉ करना है, वाइट बोर्ड पे लिख देते हैं इसको। बाइनरी ट्री है तो बाइनरी मीन्स कि सिर्फ हर लेवल पे आपने दो ही नोड उससे ड्रॉ करने हैं। स्टार्ट नोड से अगर मेरा नाम हिना सुहैल है तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले अपना नेम, कंप्लीट अपर में या कंप्लीट लोअर में करके। हर स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट
उसके बाद बाइनरी ट्री है, तो हर लेवल पे दो दो ही नोड्स बनेंगे, हर एक चाइल्ड नोड पे इसके दो ही चाइल्ड नोड बनेंगे। लेटर ऑन अब आई के दो चाइल्ड नोड एंड लाइकवाइज एन के दो चाइल्ड नोड। नेक्स्ट स्पेलिंग जो है एन के बाद ए टी यू एफ। अच्छा ये लेवल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ए के चाइल्ड नोड आगे बनेंगे, ए के दो चाइल्ड नोड। एंड देन टी का एक ही नोड काफी होगा, सफिशियंट है, ये नेम लेंथ यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इसी तरह से आप लोगों ने इंडिविजुअल अपना अपना कंप्लीट नेम लिखे और उसका बाइनरी ट्री ड्रॉ कर ले। एक दफा बाइनरी ट्री आपका बन गया तो उसको फिर ये कि लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन पाइथन के कोड में आप लोगों के लिए आसान हो जाती है कि कितनी लिस्ट बनेंगी उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो मेरे नेम लेंथ की इतनी ही थी, अगर आप लोगों को इसे लंबा है तो आप ये कि हर लेवल पे इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, दो दो हर नोड के दो दो चार्ज के अनलेस और अनटिल की वो कम्प्लीट हो जाए। अब सबसे पहले तो इसके ऊपर अप्लाई करना है अपने डेप्थ फर्स्ट सर्च यूजिंग पाइथन, पाइथन के थ्रू ही। जिन लोगों ने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर लैब ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लैब का जो मैनुअल है वो शेयर करवा लें, वीडियो शेयर करवा लें, ज़्यादा नहीं को दो तीन घंटे का बात है, पाइथन के बेसिक्स किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल से सर्च कर लें, आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है वो एक तो सबमिशन क्राइटेरिया में पे आते हैं, फिर देखते हैं स्क्रीन शॉट। एक तो जब आप रन कर लेंगे फर्स्ट अपना एल्गोरिथम, एक तो पहले तो स्क्रीन शॉट उसका ड्रा करें या वर्ड की फाइल में ही ड्रा कर लें, जो ट्री जिस तरह से हमने व्हाइट बोर्ड पर ड्रा किया है इस तरह से ड्रा कर लें, ताकि नेम लेंथ आपको पता चल जाए कि कितने लेवल्स टोटल ट्री के बन रहे हैं और कितने उसमें नंबर ऑफ नोड्स आ रही हैं। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, वर्ड की फाइल में स्क्रीन शॉट जब एल्गोरिथम अप्लाई कर लें तो उसी का एक स्क्रीन का शॉट लेके वहाँ पर पेस्ट करते हैं। तीनों एल्गोरिथम का इसी तरह से करना है। तो एक सबमिशन फाइल आपकी वर्ड फाइल हो जाएगी जिसमें स्क्रीन शॉट्स होंगे, और दूसरा ये जो पाइथन का कोई भी आप जो शेल यूज़ करो, पाइथन नोटबुक यूज़ कर लो या पाइथन का पाइचार्म यूज़ करो, जो भी शेल यूज़ करो, तो उसकी जो फाइल होगी ना डॉट पी वाई वाली, वो आपने सबमिट करवानी, ताकि डायरेक्टली उसको मैं खोल के एक्सेस कर सकूँ। और जिन लोगों को इशू आ रहा है कि हम पाइथन का किसी किस्म का कोई भी शेल यूज़ नहीं किया, उनको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ऑनलाइन भी आप अवेलेबल कर सकते हो, सिर्फ आपने पाइथन जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन सर्च करें, आपको ऑनलाइन एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिसमें इजीली आप अपने जो भी सर्चिंग है जुपिटर के, जो जुपिटर लैब है उसको ओपन कर लें। और इसमें डायरेक्टली आप अपने जो भी सर्चिंग के थ्रू आपका एल्गोरिथम होगा, जो भी लाइन ऑफ कोड होंगे इसमें अप्लाई करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, फाइल को व्यू भी कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन करने की बजाय आप इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन 3 ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर पाइथन की कोई भी कमांड लिखें, उसे रन करें, जो मर्जी करें, और एट एंड आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं। नो मैम। ठीक है जी, दोबारा मैं दिखा देती हूँ आपको, अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन आप लिखेंगे तो फर्स्ट लिंक आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे जुपिटर लैब,
थ्री नोटबुक, नोटबुक ओपन कर लें और ये आपके पास मिल जाएगा नोटबुक। यहाँ पाइथन की कमांड्स अप्लाई करें, रन करें, चेक करें और एट टाइम इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड फाइल का नेम चेंज करके आप मुझे सबमिट करवा सकते हैं। सर्चिंग के लिए भी आपकी हेल्प कर दूँ कि सर्चिंग आप कैसे कर सकते हैं। सपोज डेप्थ फर्स्ट सर्च, इन पाइथन ये देखिए जी, जब आप ट्री अपना बनाएंगे उस ट्री के हिसाब से आपने इस लिस्ट को मेंटेन करना होगा कि स्टार्ट आपका जो भी है ए है उसके चाइल्ड आगे उसकी लिस्ट में ऐड कर दिए, फिर सेकंड नोड जो है उसके चाइल्ड उसकी लिस्ट में ऐड कर दिए एंड देन इसी तरह से। और अगर कोई लीफ नोड है तो उसके चाइल्ड वाली लिस्ट जो है वो एम्प्टी होगी। ये डिस्क्रिप्शन सबकी डिफरेंट होगी, बाकी सबका सेम भी हो सकता है। जब आप एक दफ़ा अपना ट्री अपने नेम का ड्रा कर लेंगे तो यही चीज़ डिफर करेगी हर एक के जो असाइनमेंट है उसको दूसरे से, कि आपने जो लिस्ट बनानी है जैसा एक ए है फर्स्ट पे ए बी सी डी ई एफ के साथ की ट्री बना हुआ है, ए है तो ए के चाइल्ड नोड क्या रहे हैं बी एंड सी। तो यहाँ पे ग्राफ की लिस्ट में मेंशन कर देंगे कि ए है, ए के चाइल्ड नोड उसकी लिस्ट है बी सी, उसके बाद बी जब लिखा तो बी के चाइल्ड नोड है डी एंड एफ, यहाँ पे बी की लिस्ट में चाइल्ड नोड में डी एंड ई आ जाएंगे एंड लाइक वाइज सी के चाइल्ड जो है वो एफ आ जाएगा। और डी अगर टर्मिनेटिंग नोड है, लीफ नोड है, तो उसका चाइल्ड जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। एंड इन केस अगर कोई पाथ किसी और नोड से किसी और की तरफ एग्जिस्ट करता है, आपके केस में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, हम इस किस्म का सिबलिंग का लिंक नहीं बना रहे, तो वो इस तरह से कोई आपका लिंक नहीं बनेगा। तो ये लिस्ट हर एक की डिफरेंट होगी, अदरवाइज बाकी सबका कोड जो है वो वही फंक्शनैलिटी है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में विजिटेड होंगे, कुछ लिस्ट मेंटेन करनी है, कुछ जो है वो क्लोज की लिस्ट मेंटेन करनी है। आप यहाँ पे भी इसको इनफैक्ट यहाँ पे भी चेंज करके इसको रन करके चेक कर सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, हार्डली 30 मिनट्स आप लगेंगे इस असाइनमेंट पे। एक ये है कि आपका वार्म अप सेशन हो जाएगा विद पाइथन के कोड के साथ, तो किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि फर्दर जो लिटिल बिट कम्प्लेक्स असाइनमेंट आनी है उसको आप इजीली सॉल्व कर सको। तो दो ऑप्शन है, डायरेक्ट यहाँ पे आप चेंज करके अपने नेम के लिस्ट के अकॉर्डिंग इसको अपडेट करके रन कर लें, आउटपुट क्या आता है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको चेंज कर लें। द फर्स्ट लिंक था डेप्थ फर्स्ट सर्च इन पाइथन, educative.io का लिंक था, इसके ऊपर आप कर सकते हैं, या कहीं और से अगर आपने कोड लेना है तो जुपिटर पे रन करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो दो फाइल्स चाहिए सबमिशन के लिए, नंबर वन आपकी वर्ड फाइल जिसमें स्क्रीनशॉट्स मौजूद हो, एंट्री मौजूद हो प्रॉपर ड्रा किया हुआ, एंड नंबर टू जिप फाइल के अंदर मौजूद हो आपकी पाइथन जो भी आप यूज़ करते हो उसको डाउनलोड करके पाइथन फाइल, ताकि आप अपने जो शेल है मेरे पास पाइथन का उसके उसको रन करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, तीन क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के, ट्री एक ही होगा जो आपके नेम लेंथ के ऊपर बाइनरी ट्री आप बनाएंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है, सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि बेस्ट फर्स्ट सर्च जैसे अभी हमने देखा है कि उसमें एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है, तो वो आपको अपने नेम के हिसाब से नंबर वन तो स्टार्ट नोड आपको फर्स्ट हो जाएगा, गोल नोड को ये आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर मैं आपको जो व्हाइट बोर्ड पर हमने एग्जांपल की थी कि सपोज मैं सेट करती हूँ, ये चीज़ आपने खुद से करनी है कि स्टार्ट नोड मेरा एच है और गोल्ड नोड में जा रही हूँ कि मेरा यू हो या एल हो, ठीक। तो इसके लिए फिर इस हिसाब से ह्यूरिस्टिक जो है वो आपको खुद से सेट करनी पड़ेगी कि बाय डिफॉल्ट कौन से स्टार्ट में नोड के स्टार्ट में आने चाहिए, यानी एच है, एच के बाद आई आना चाहिए, आई के बाद टी और टी के बाद यू, तो इनकी ह्यूरिस्टिक जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर नोड्स के। तो ये एक टेबल ह्यूरिस्टिक का आपको खुद से बनाना पड़ेगा ताकि आपको पाथ एग्जैक्टली वही जाए जो के बेस्ट सूटेबल लग रहा है हमें विजुअली देखने में। इस चीज़ को आपने खुद से डील करना है, खुद से चेक करना है, ठीक है जी। ठीक मैम, टीम ये जो ब्रांचेस हम नीचे बना रहे हैं साथ, ये हम पब्लिक करेंगे या फिर इसके पीछे भी कोई है? जितना जितना आपकी नेम लेंथ है, जितनी नेम लेंथ है बस वहां तक आप इसको करेंगे। नेम लेंथ की बात नहीं कर रहा, इसको जिस तरह एच आई और एच एन के दरमियान ब्रांच जो बनाई हुई है इनको जोड़ा हुआ है। वो आपने सिब्लिंग्स के ब्रांच नहीं बनानी, और नहीं बनानी। ओके, अच्छा ये ब्रांच ये वाली एच से आई और एच से एन की तरफ बना ले, इसमें क्या मसला है? नहीं, अगर फॉर एग्जांपल पूरा ये टी एल की तरफ जा रहा है तो हम इसको रैंडमली करेंगे या फिर हम
ये तो डिपेंड करता है कि आप उसमें से गोल नोड कौन सा चूज करते हो, ओके ठीक है। अगर यू चूज होता है तो फिर आपको इस पार्ट से ह्यूरिस्टिक की बात करें कि ह्यूरिस्टिक के जो टेबल है, ह्यूरिस्टिक की जो वैल्यूज है, वो आपको इस तरह से सेट करनी है सबकी, कि जो बेस्ट आपका पाथ है वो उसकी कम हो एज कम्पेयर टू अदर, ताकि ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट आए ऊपर में और उसको इजीली सर्च कर किया जा सके। क्वेश्चन ओके थैंक यू मैम। नंबर 3 लिटिल बिट ट्रिकी होगा, उसमें मे बी आपको थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा खुद से देखना पड़े, उसको उस तरह से चेंज करना पड़े, सेटिंग करनी पड़े उसकी। मैम ये अदरवाइज हेरिस्टिक वैल्यूज इसको खुद से असाइन करनी है, ये नहीं समझ आ रही कम ज्यादा वाली। ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखिए, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी है, जो लास्ट लेक्चर की है, ह्यूरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। तो ये आपने खुद से इस तरह से सेट करनी है कि जो आपका पाथ आपको देखने में लग रहा है कि आपके स्टार्ट नोड से गोल नोड की तरफ पाथ जा रहा है, उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिटिल बिट लेसर रखें एज कम्पेयर टू अदर नोड, ताकि जब आप एल्गोरिदम उसको पहले ड्राई रन कर लें नोटबुक के ऊपर करके देख लें, ताकि आपके ओपन लिस्ट में जो पाथ वाली जो टारगेटेड नोड्स हों वो स्टार्ट में आ जाए जब आप उसको कोड करने लगो, और बाकी नोट जो है वो लिस्ट में थोड़ा आगे आ जाए जब उसको सॉर्ट हेलो करें। मैम, सपोज अगर एच है वो 10 से स्टार्ट होता है, हमने इस तरह उसको हेरिस्टिक वैल्यूज असाइन करनी है कि एल तक जाते जाते वो 0 हो जाए, बिल्कुल ये कह ऐसे रही ही हैं है, आप? ऐसे ही कह रही हूँ मैं। पहले इसको एक इस तरह ठीक इसी है तरह से ठीक बना के नोटबुक के ऊपर सॉल्व कर लें, एंड आफ्टर दैट उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है इसकी सेटिंग करें, ह्यूरिस्टिक वैल्यू पास करें। ओके मैम। चलिए करेंगे तो हो ही जाएगा, कुछ बातें करेंगे तो फिर बातों में ही रहेंगे हम। अच्छा आप चले लोग कुछ थोड़ी कुछ देर देख लें वो जो वीडियो सी, ताकि उतनी देर में एक ग्राफ ड्रा कर लूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ताकि उसको हम फिर फर्दर यूज कर सकें। आज का जो सेकंड हमारा एल्गोरिथम था ए स्टार सर्च एल्गोरिथम का, उस हिसाब से पहले ग्राफ ड्रा कर लूँ।
जी सबसे पहले अब ए स्टार सर्च एल्गोरिथम है, तो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम में हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च में सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती थी, लेकिन ए स्टार सर्च एल्गोरिथम में हमारे पास दो पैरामीटर्स आएंगे, एक तो डिस्टेंस आएगा एक नोड से दूसरी नोड की तरफ, ये जो डिस्टेंस वैल्यूज हैं, एंड नंबर टू ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो इन दोनों की बेसिस के ऊपर हमने अपना सर्च जो टेक्निक है वो अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्टेड वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ को कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू ट्री, और उसके बाद देखते हैं कि हम ए स्टार सर्च एल्गोरिथम को किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। स्टार्ट नोड एस है, गोल नोड जी है, तो एस को हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एज अ ट्री के तौर पर इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये यहाँ कर लेते हैं ताकि साइड पे हम इसको सॉल्व कर सकें। S to A and S to G. दो लिंक्स है, उसके बाद A से B A to B and A to C. G हमारा डेड एंड है, ऐसे फर्दर कोई भी लिंक नहीं निकल रहा हूँ। B से A की लिंक जा रहा है D की तरफ, C से D एंड G, और D से जो है वो हमारा लिंक जा रहा है टुवर्ड्स G, यहाँ पे भी और यहाँ पे। जी ट्री आपके ख्याल में ठीक है, कोई लिंक ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम मिस कर गए हो, ड्रॉ ना किया हो। एस टू ए एंड एस टू जी, ए टू बी एंड ए टू सी, देन बी टू डी, और सी के लिंक्स जा रहे हैं डी एंड जी, दोनों बना लिए हमने, डी टू जी एंड डी टू जी। ठीक है, साथ इनके वेट्स भी ऐड कर लेते हैं, एस टू ए 1, S to G 12, A to B 3, and A to C 1, B to D 3, C to D 1, C to G 2, D to G 3. ठीक, उसी तरह से हम दो लिस्ट मेंटेन करेंगे, ओपन लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट। पहले क्लोज लिस्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे
अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं, ऐसा सर्च एल्गोरिथम है हमारे पास, हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसकी बेसिस के ऊपर फर्दर मूव करते हैं। स्टार्ट ऑफ द फंक्शन जो हमारा जो इसकी इक्वेशन होती है, इसमें दो चीज़ें वर्क करती हैं, एक तो जी ऑफ एन और जो डिस्टेंस है, यानी कि एक नोड से दूसरी नोड तक का डिस्टेंस, और नंबर टू इसमें चीज़ आ जाती है ह्यूरिस्टिक, जिस तरह से हम बेस्ट फर्स्ट सर्च में इसको यूज़ कर चुके हैं, उसी तरह से ह्यूरिस्टिक वैल्यू के साथ साथ हमारा डिस्टेंस भी यहाँ पर वर्क करता है। जस्ट लाइक अगर मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टार्ट नोड एस से, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एस, और इसकी अगर हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल कितना सम बनता है इसके डिस्टेंस का ह्यूरिस्टिक की बेसिस के ऊपर, तो जी ऑफ एस हम कैलकुलेट करेंगे प्लस एच ऑफ एस ह्यूरिस्टिक ऑफ एस, वैल्यूज इसमें ऐड करें। जी एफ एस अब जो स्टार्ट है हमारा घर से ही डिस्टेंस जो है वो जीरो होता है, यानी कि स्टार्ट नोड हमारी एस है, तो एस का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे जीरो होगा, प्लस ह्यूरिस्टिक ऑफ एस जो है वो आ जाएगा फोर, तो ओवरऑल जो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस की वो आ जाएगी फोर। ठीक, अब इससे हम कंटिन्यू करेंगे, एस से अब दो पाथ निकलते हैं, एक ए की तरफ निकलता है और एक जी की तरफ निकलता है, तो बारी बारी दोनों का हम ओवरऑल सम कैलकुलेट करेंगे, जिसका कम होगा उसको पाथ को हम एक्सपेंड करते जाएंगे, और जिसका डिस्टेंस ओवरऑल ज़्यादा आएगा उसको हम छोड़ देंगे, दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो एस एस का टोटल हमने जो कॉस्ट निकाली है वो आई है हमारी फोर। अब फर्दर एस से दो पाथ जा रहे हैं, एक जा रहा है एफ टू ए, उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं एफ एस टू ए, इसकी कॉस्ट उसके लिए हमें वही फार्मूला हम यूज करेंगे कि जी ऑफ एस टू ए, एस टू ए का जो डिस्टेंस आएगा वो प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे जो हमारा सेकंड नोड होगा उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जस्ट लाइक ए है तो ए की ह्यूरिस्टिक एस टू ए जा रहे हैं हम, ए का ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करके टोटल पास्ट कैलकुलेट करेंगे एस टू ए जाने की। तो डिस्टेंस एस टू ए, एस टू ए का डिस्टेंस है वन, वो प्लस
ह्यूरिस्टिक ऑफ ए, अब ह्यूरिस्टिक की वैल्यू हमें स्टेबल से मिल जाएगी, ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 2, तो ओवरऑल ये सम हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 3, एस टू ए जाने की कॉस्ट है 3। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं एस टू जी जाने की कॉस्ट, फंक्शन ऑफ एस टू जी, उसके लिए हमें दो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, एक तो डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो एस से जी तक उसका डिस्टेंस, प्लस ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक अब यहाँ पे किसके करेंगे, सेकंड नोड जो एंडिंग नोड है यहाँ पे, दैट इज जी। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को, तो एस टू जी का जो डिस्टेंस है वो 12 है, प्लस ह्यूरिस्टिक जी की हमें पता है गोल नोड जी है, तो जी की ह्यूरिस्टिक जो गोल नोड होता है वो हमेशा 0 होता है उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। लेकिन ओवरऑल जब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू इस पार्ट के। जब हम ओवरऑल ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट की है, एस को हमने एक्सपैंड किया था, ये इसको हम चेक कर रहे थे, इसको हमने एक्सपैंड किया था, इसके दो पार्ट निकल रहे थे, एक एस टू ए एंड ए एस टू जी। एस टू ए की टोटल कास्ट आई है 3 एंड एस टू जी की टोटल कास्ट आई है 12। अब इस इन दोनों पार्ट्स में से जो लेसर कास्ट है उसको हम एक्सपैंड करेंगे, अनलेस और अनटिल के कोई ऐसा पार्ट आ जाए जहाँ पे इसकी कास्ट कम हो जाए, हम इस पार्ट को एक्सपैंड करते हैं। फंक्शन ऑफ एस टू ए, अब ए से देखिए दो पार्ट निकल रहे हैं, ए टू बी निकल रहा है और ए टू सी निकल रहा है, तो पहले ए टू बी की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम एस टू ए ए टू सी की कॉस्ट इस पार्ट की निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब जी ऑफ इन्हीं सारी वैल्यूज का जी जो है वो हम डिस्टेंस देखेंगे डायरेक्ट, अगर यहाँ पे हम ऐड कर सकें वैल्यू, अगर आपको समझ आ गई है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं वैल्यूज यहाँ पे, एस टू ए ए टू बी इसका डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस हमने ओवरऑल लिखना है, यानी कि यहाँ एस टू ए 1 एंड ए टू बी 3+1 4 ही आएगा, प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू एच ऑफ, अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी ऐड करेंगे, जो लास्ट नोड होगा यहाँ पे, लास्ट नोड है बी, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ जाएगी बी की। जब हम वैल्यूज इसमें ऐड करते हैं, एस टू ए कॉस्ट है 1 एंड ए टू बी कॉस्ट है 3, यानी कि ओवरऑल ये जो पाथ है इसका पूरा डिस्टेंस की कॉस्ट आ जाती है 3+1 4। सम ह्यूरिस्टिक ऑफ ए बी, अब ह्यूरिस्टिक बी का कितना है इस टेबल से हम देख लेते हैं, दैट इज 6, ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी इस पाथ की 10। ठीक है जी, उसके बाद इसी को हम पाथ को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि एस टू ए वाला जो पाथ हम जिसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एस टू ए की तरफ बी वाला पाथ हमने चेक कर लिया, टोटल कास्ट आ रही है 10। उसके बाद हम देखते हैं एस टू ए ए टू सी वाली पाथ, इसको चेक कर लेते हैं, अगर समझ आ गई है तो आप एक दफा कर लें कैलकुलेट इसको। सिक्स कैसे आया था, ये बी का ह्यूरिस्टिक आया था, क्योंकि जो हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं लास्ट नोड, जो लास्ट नोड होता है जैसे ए था लास्ट उसका ह्यूरिस्टिक ऐड किया, या जी था लास्ट उसका ह्यूरिस्टिक ऐड किया, इस जो पार्ट को जिसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ से ए टू बी वाला, बी लास्ट नोड है यहाँ पे, तो बी का ह्यूरिस्टिक हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये एच ऑफ बी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से एक्सपेंड कर लेते हैं इसको फर्दर, इसी पार्ट को एफ टू ए एस टू ए एंड ए टू सी, यानी कि एस टू ए एंड बी वाला हम देख चुके हैं कॉस्ट उसकी टोटल 10 आ रही है, एस टू ए ए टू सी इसकी कॉस्ट हम चेक कर लेते हैं, क्या इसको फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ एस टू ए ए टू बी प्लस ह्यूरिस्टिक, अब जो ये बताएं ह्यूरिस्टिक यहाँ पे किसकी हम ऐड, सॉरी यहाँ पे मैम इसे सी नहीं होगा, जी बिल्कुल सी होगा, तो ह्यूरिस्टिक हम किसकी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ऐड करेंगे, सी सी इट्स गुड।
टू प्लस टोटल टू फोर डिस्टेंस, आ गया। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एस टू ए एंड ए टू सी, एस टू ए वन एंड ए टू सी टू, वन प्लस वन टू, प्लस सी की ह्यूरिस्टिक टेबल में से देखिए दैट इज टू, ओवरऑल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी फोर। सो अभी तक जो हमारे पास तीन पाथ हैं जिनको हमने फर्दर एक्सपेंड नहीं किया, इन तीनों में से एस टू जी, एस टू ए टू बी एंड एस टू ए टू सी, इन तीनों में से जिसकी कॉस्ट अभी तक सबसे कम है उसी पाथ को फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे। तो अभी तक की जो लीस्ट कॉस्ट है वो इस पाथ की है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं एस टू ए, ए टू सी, एस टू ए एंड ए टू सी, अभी तक इस पाथ की कॉस्ट सबसे कम आ रही है, इसको एक्सपेंड करते हैं। मैम जिसकी कॉस्ट कम होगी उसको एक्सपेंड जी, करना करना है। जिसकी टोटल कॉस्ट कम होगी उसी को एक्सपेंड करते जाएंगे। ठीक है, एस टू ए, ए टू सी एंड सी से फर्दर फिर दो पाथ निकल रहे हैं, डी वाला पाथ भी एक्सप्लोर करेंगे एंड देन जी वाला पाथ भी करेंगे। पहले हम डी वाला कर लेते हैं, मैम इकट्ठा नहीं कर सकते डी और जी का एक साथ, मतलब डी के आगे जी नहीं लिख सकते? नहीं जी, पाथ हम देख रहे हैं ना एस टू ए, ए टू सी, सी टू डी, वो किस तरह से अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं डी से जी कैसे जा सकते हैं, वो तो लिंक ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा कोई। तो फॉर्मूलाज के लिए हमारे पास वही बनेगा जी ऑफ एस टू ए, ए टू सी एंड सी टू डी। प्लस ह्यूरिस्टिक, अब ह्यूरिस्टिक आप बताएं यहाँ पे किसका हम लिखेंगे, डी का, लास्ट नेम डी का। तो एस टू ए वन, ए टू सी वन, वन प्लस वन टू, सी टू डी वन, यानी कि ओवरऑल डिस्टेंस कितना आया थ्री का। एस टू ए वन, एस टू ए डिस्टेंस वन, ए टू सी वन, वन प्लस वन टू एंड सी टू डी टू प्लस वन थ्री, और ह्यूरिस्टिक डी का थ्री। टोटल कॉस्ट इस पाथ की आ जाएगी सिक्स। इसी तरह से सेकेंड पाथ को भी चेक कर लेते हैं, एस टू ए, ए टू सी एंड सी टू जी। फॉर्मूले में जी डिस्टेंस ऑफ एस टू ए, ए टू सी एंड सी टू डी। प्लस ह्यूरिस्टिक, अब ह्यूरिस्टिक लास्ट नोड हमारी जी है तो ह्यूरिस्टिक जी का आ जाएगा। फोर आंसर। S to A 1, A to C 1, 1 plus 1 2 and C to G 2 plus 2 4, plus heuristic G का 0 है और total cost हमारे पास आ गई 4 की। ये हमारा total distance निकल आया source to destination, हम पहुंच गए with the cost of 4। ये आ गया एक link या एक path आ गया हमारा source to destination का by using this path, हम source to destination पहुंच सकते हैं with least value, ठीक है। लेकिन इसको हम continue कर रख सकते हैं, मे बी कोई और पाथ भी मिल जाए जिसका डिस्टेंस इससे भी कम आ जाए। तो अभी तक जितने भी untraversed पाथ थे उनमें से सबसे कम इसी का था जिसके थ्रू हम source to destination पहुंच रहे हैं with least cost के। तो मे बी another example, कोई और भी ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता हो जिसकी ओवरऑल कॉस्ट इससे कम आ रही हो तो हम उसको एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं कि हमारा मजीद जो है वो क्या कोई और पाथ निकल सकता है जिससे ज़्यादा ऑप्टिमल हो।
मैम ये डेस्टिनेशन डिसाइडेड थी, मतलब कि जी पे हमने रुकना है, मतलब फोर तो इससे नहीं, पहले भी आया ना, एफ एस से ए और ए से हमने सी का भी, जी तक जाना था, जी तक, तो जी तक पहुंचना तो था, जी इससे पहले भी आ चुका था, ये भी डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन उसकी कास्ट 12 थी, बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने मजीद 5-6 और किए कि मे बी हमें किसी कम कॉस्ट के साथ वो ही हम उस डेस्टिनेशन तक जी तक पहुंच सकें। तो अगर ग्राफ को देखें, ग्राफिकली देखें, तो ग्राफ में जो पाथ एस टू जी डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। सो एस टू ए, ए टू सी एंड देन सी टू जी, इस पाथ को फॉलो करके हम डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट के। और वो कॉस्ट किस दो चीजों के, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक डिस्टेंस का, जो एक नोड से दूसरे डिस्टेंस तक, नोड तक डिस्टेंस है, और दूसरा ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो ये वैल्यू जो डिस्टेंस है वो तो आपको इधर से मिल जाएगा, ग्राफ से या ट्री से मिल जाएगी, और ह्यूरिस्टिक की वैल्यू टेबुलर फॉर्म में मौजूद होती है। दोनों वैल्यूज को सम करके हमने एक्सपेंड करना होता है कि कौन सा बेस्ट सुटेबल पाथ है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो बारी बारी कैलकुलेट सीक्वेंस वाइज करते जाते हैं, जो कम होता है उसको एक्सपेंड कर लेते हैं और जो ज्यादा होता है उसको रहने देते हैं। सो अभी तक की बेस्ट चॉइस हमारे पास ये आई है कि हम क्लोज टू डेस्टिनेशन इस तरह से पहुंच सकते हैं विद अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ 4 के साथ। मजीद वीडियो एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है जो लास्ट सेमेस्टर की थी, उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आपको समझ ना आए तो एक एग्जाम्पल वहां से भी, वहां पे इनफैक्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो दोनों के मैम साथ देख लीजिएगा ये जो उसको। वैल्यूज हैं इनको क्या कहते हैं, ये जो 1 3 आपने 1 12 लिखा, जैसे ये दूसरी वाली तो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हो गई, डिस्टेंस, तो इनको क्या डिस्टेंस, नाम थी, एक नोड से दूसरे डिस्टेंस। नोड तक का डिस्टेंस, ये ठीक है वेटेड ग्राफ है ना, वेट भी कहते हैं इसको, डिस्टेंस भी कहते हैं, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ तक का डिस्टेंस, एक नोड से दूसरे नोड तक का डिस्टेंस, ओके मैम, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। सबसे पहले इसको ट्री में कन्वर्ट कर लें, आफ्टर दैट ये स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाए। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इसमें, कोई चीज समझ ना आई हो इस एग्जाम्पल में? मैम ये जो रिड्यूस वैल्यू है कि हमने उसकी तरफ मूव करना है ना, तो अगर वैल्यूज इक्वल आ जाएं तो फिर किस तरफ जाएंगे? फिर फर्स्ट फर्स्ट वाली, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चॉइस आपने पिक करनी है, जो पहले आपने पाथ आया था उसको लेफ्ट मोस्ट, यानी सपोज अगर जैसे सी से डी भी जा सकते हैं, सी से जी, या ए से बी वाला पाथ भी था, ए से सी वाला, तो अगर सेम आते हैं तो फिर लेफ्ट वाला यूजली जो है ना पाथ फाइंडिंग में हम लेफ्ट नोड को प्रेफर करते हैं। तो ए टू बी वाला पाथ आपको प्रेफर करना था, अगर दो सेम आ जाए तो। ठीक है मैम, ठीक है, एक और जो है वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग थी, 12-13 मिनट की होगी, 2 एग्जाम्पल्स के साथ है, उसको भी देख लीजिएगा, मजीद आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्लास में हम क्विज रख लें वेंसडे की क्लास में, या थर्सडे की क्लास में कर लें, फ्राइडे की क्लास में भी कर लें? असाइनमेंट तो कर लेने थे हमें पहले। असाइनमेंट बहुत मुश्किल है ना, जी सारा मैम, बहुत सोल्यूशन आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। नहीं मैम, फिर मैम भी मैं असाइनमेंट कर मुश्किल लेंगे, अच्छी कर तैयारी हो जाएगी, फिर क्विज दे देंगे। ठीक है, फ्राइडे को कर लेते हैं, फ्राइडे को ही आपकी असाइनमेंट ड्यू है, फ्राइडे को ही हम फेस कर लेते हैं, दोनों काम हो जाएंगे साथ में। ठीक है जी, मैम अभी तो असाइनमेंट में आप कोई पूछने वाली बात हुई तो फिर फ्राइडे वाले दिन, मैम वेंसडे की क्लास में पूछ लीजिएगा, पहले हमने फ्राइडे में पूछना है। मैंने नहीं बताना फ्राइडे को, मैंने वेंसडे को बताना। तो फ्राइडे ठीक को है, आपका क्विज होगा, क्विज नंबर 2। अब मिड्स आने वाले हैं जी, अप्रैल का लास्ट वीक मिड्स का है, ये 7th वीक चल रहा है, 8th वीक के बाद मिड्स होते हैं, तो मिड से पहले एटलीस्ट 2 क्विज तो हो जाए, फिर आप कहेंगे कि हमें पता नहीं था कि कैसे क्वेश्चन आने हैं मिड में, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते होते हैं, जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं उनके। सो सर्चिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार, 5 एल्गोरिदम्स हैं, इन पांचों का बेस जो है वो क्विज होगा नेक्स्ट फ्राइडे को। ओके जी, सो आज के लिए इतना।